हेलो लर्नर्स, दिस इज सुताश्री पणिग्रह. वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस. तो आम प्रीवियसली जो डिस्कस करते थिला स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि बोथ एटॉमिक मॉडल रो एनर्जी लेवल उपरे डिस्कस करते. तो एनर्जी लेवल उपरे कौनटा डिस्कस करते कि एनर्जी गुड़ाक कौन, ऑर्बिट कॉन्सेप्ट कौन, ऑर्बिट मानकर एनर्जी गुड़ाक कौन कौन, बाकी रहा इलेक्ट्रॉन जदि काठो एनर्जी निए तो सी कौ प्रकार बिहेव करे और सब प्रकार एनर्जी से एक्सेप्ट करिबो कि ना करिबोनी, से सब हमें प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी डिस्कस करथिले. से वीडियो रे गोटे वर्ड से कहिथिले से थिला मोर एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहिथिले. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा उपरे हमें ऑलरेडी गोटे वीडियो टे ऑलरेडी तो कहिपरे गोटे वीडियो टे हमें पढ़िबा. मु कहिथिले एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर्टिकुलरली गोटे वीडियो टे बनेबा ता आगुरु बोथ एटॉमिक मॉडल सोरु सोरु जो घटनाटा घटथिले से घटना आगे पढ़नबा. सी थिला किए तुम न्यूट्रॉन. एबे जाए जी कॉन्सेप्ट गुड़ा को पढ़ुचे से सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकिका पढ़ुचे. हाँ ना नहीं, फर्स्ट तो पढ़ले कौन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट तो पढ़ले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एबे पढ़ले आम तापर कम पढ़ले एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी कार पढ़ले फर्स्ट तो पढ़ले तुम जे जे थॉमसन एटॉमिक प्लैंकपुडिंग मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर जोड़ा अच्छे. नेक्स्ट पढ़ले किए तुम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जोटा कि गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट रू पढ़ते. तापर पढ़ले आमर किए बोहर. तो एते सब एटॉमिक मॉडल जो पढ़ले तार मेन रीजन कौन थी, गोटे ही रीजन थी कि आटम्र स्ट्रक्चर को से डिफाइन करने ट्राए करते है ना. तो आटम्र स्ट्रक्चर को डिफाइन दैट मीनस कौन, आटमटा जोबले तुम जॉन डाल्टन कहीक पढ़ेले ये गोटे इनविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल गोटे इनडिविजिबल दैट मीनस ये आगे भी ब्रेक हेबन है. तो ब्रेक हेबनी मानने कौन, सी डिफाइन करदे को भी मैटर तुम नौ से को भी स्टेट रे थाउ तार जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल टे सी आटम ही हम. आटम रो छोटो पार्टिकल आउ दुनिया रे के भी एग्जिस्ट करना से जिनसे से कह कि पड़ेले मन ला बुझीपाले ना बुझीपाले. बट जितेबले तुम इलेक्ट्रॉन रो डिस्कवरी है किए कले आम जे जे थॉमसन कले, तापर रहा प्रोटोन रो डिस्कवरी है किए कले गोल्डस्टाइन कले ई गोल्डस्टाइन कले, तापर ये जो दुईटार स्ट्रक्चर को लेकिन इलेक्ट्रॉन आ प्रोटोन को धरिकी कौन कराला आमर आटमिक स्ट्रक्चर गुड़ाक डिफाइन करने को स्टार्ट कले. तो आटमिक स्ट्रक्चर रे जो जो जमी क्वेश्चन गुड़ाक आसूला जमी तुम ड्रबैक गुड़ाक आसूला ताको जस्टिफाई करी करी गोटे गोटे साइंटिस्ट तर जहाँ भी जस्टिफिकेशन चली जमीक जे जे थॉमसन आटमिक मॉडल थ्योरी गोटे देते प्लैंकपुडिंग मॉडल जोटा कि वाटरमेलन थ्योरी कहे हाँ कि ना. तो वाटरमेलन थ्योरी हिसाब से तो से कहीदे कि हाँ ये वाटरमेलन भले देखा कि आमर आटम, बट सेटा को कौन कले आमर जस्टिफाई कले कि इट इज एन अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि आमर रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड कौन मोटो किसी ना जो आटम्र थ्योरी टे गोटे कहबी है से मोटो किसी कही ना जो अल्फा पार्टिकल बोमबार्ड करी क्या गोल्ड फॉइल को आ मत आटम्र स्ट्रक्चर मिल जाव नुहर मोटो ना गोल ना सेटा होगा सेटा है. तो सी जाइए तो एक्सपेरिमेंट करने कौन से एक्सपेरिमेंट करने जाते तुम जो गोल्ड फॉइलटा अच्छी ता भितर एमती कौन एक्सचेंज करी मु अल्फा पार्टिकल को स्टडी करिया को जाई थिले से ना कि आटम को स्टडी करिया को जाई थिले नुह से अल्फा पार्टिकल रिएक्शन को देखिया पें जाई थिले. तो अल्फा पार्टिकल गोटे गोटे मेटल सहित रिएक्ट कले को प्रकार मिले ठीक अच्छे, बट तांको कौन है आटम रो गोटे स्ट्रक्चरटे मिलीगला मन ना. तो सी जी ऑब्जर्व कले अल्फा पार्टिकल रू सी थ्योरी पर्सुलेस देकी चले. तो पर्सुलेट्स केतरा गुड़ाक ठीक है कि एबे जस्टिफाई करुचे हाँ आटमटा एटा गोटे सफिशिएंट आउ कहीपरचे आम जे रदरफोर्ड को ए पॉइंटा है सक्सेस जोटा कि एबे जाए आम ओबे करुचे मन ना. बाकी जो पॉइंट गुड़ाक रहा कि पॉइंट गुड़ाक कम्प्लीटली भूल है आउ कौन जो साइंटिस्ट मैंने क्वेश्चनिंग कले कि एमती कहीं तो से जस्टिफाई कर पार नथिले. तो तापर आसला मोर के बोहर. तो बोहर आसला पर बोहन कर पोस्टुलेट्स गुडा आम पढ़ले हाँ कि ना. तो बोहर पोस्टुलेट्स आम कौन कौन बुझीते ऑर्बिट कॉन्सेप्ट बुझीते ऑर्बिट मान एनर्जी कथा बुझे स्टेशनरी ऑर्बिट कौन बुझे रदरफोर्ड को जितकी ड्रॉबैक था सेटा को से जस्टिफाई कले ता सहित क्वांटम कथा से बाहर कले आउ रहा एटॉमिक स्पेक्ट्रा कथा से डिफाइन करदे है. से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो डिफाइन कले सी आम कौन करवा गोटे वीडियो रे कवर करवा जोटा कि आज नुह आज एबर वीडियो रे सेटा कवर करवानी. आज कवर करवा कौन आ गोटे फंडामेंटल पार्टिकल से है न्यूट्रॉन.
तीन प्रकार फंडामेंटल पार्टिकल अच्छा कि मोर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो जो तीन नंबर पार्टिकल अच्छा जी कि न्यूट्रॉन तो तांको कथा मुझे जस्टिफाई करी मन रहा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केमती डिस्कवर है तो आम ऑलरेडी पढ़ी सारे गोटे से गोटे कहपर गोटे एरा थी एरा मैंने गोटे 10 years गोटे गैप थी हला जो थे कि एका प्रकार एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आमर कौन होगा डिस्कवर होगा बट न्यूट्रॉन टा बहुत सीक्रेटली डिस्कवर हो कहले चले सीक्रेटली कहीं कौच भाव जो एरा रे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलरेडी डिस्कवर हो सारा चाहते किसी गोटे एक्सपेरिमेंट सेम मेथड को फॉलो करके आम कौन बाहर करते मानते न्यूट्रॉन टा बाहर होता बट न्यूट्रॉन एमती गोटे जिनस जोटा कि बहुत हिडन टाइप थी केमिति डिस्कवर कले से तुम गोटे साइंटिस्ट मानक मुंड बहुत खर्च होता एका थर के हो सडनली हो जाए यहाँ जो न्यूट्रॉन रो डिस्कवरी सडनली किसी है यहाँ प्री प्लांड गोटे कि कहीं एमती होता मन ना तो आज आम कवर करवा कौन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो ये जगह जो स्टोरी टे मुझ कहली से स्टोरीटा थी तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट करी ये रहा एति जाए मोर भिडटे ऑलरेडी अपलोड हो सारी जदि तुम एवं जाए से भिडियो गुड़ाक फॉलो करना मुझ तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गुड़ाक देदेवि से फॉलो करवा स्टार्ट कर मन रहा द मेन इंपोर्टेंट हूँ आम रदरफोर्ड नेक्स्ट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल ठीक अच्छे तो आज आम कवर करवा कौन कहली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कथा मन रहा तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हवा आगर साइंटिस्ट मैंने कौन करते कि बहुत कि गोटे थ्योरी ऑलरेडी डिस्कवर हो सारा गोटे थ्योरी ऑलरेडी जो साइंटिस्ट प्रपोज करदे दैट मीनस धरिकी खानतान करवा स्टार्ट खानतान दैट मीनस कौन से धरिकी आउ दु तीनटा कनसेप्ट मुझ बाहर करदेवि पा से किसी डिमेरिट थी पा मुझ बाहर करदेवि ड्रबैक किसी थी मुझ बाहर करदेवि तो साइंटिस्ट मैंने केवना के चुप बसु नौले से चलते एक्सपेरिमेंट कर चलते कहा जाए साइंस रो जो फैक्ट गुड़ाक से बहुत एरोगेंट एरोगेंट कहीं कहुए देख भाव तुम भावु गोटे प्रकार कि हाँ आर कनसेप्ट बोधे एमती थी बट सी तुमको ट्रिक कला बेले से गोटे अलग कनसेप्ट गोटे देदेव हाँ कि ना देख जे जे थॉमसन कौन भावुले आटम गोटे प्लांकोडिंग मॉडल बेले देखा हाँ ना नहीं आटम टा सेमती एक्जिस्ट कर कहीं दुटा पाखे पार्टिकल्स थी फंडामेंटल पार्टिकल से प्रोटोन आउ न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटोन आउ इलेक्ट्रॉन सो दुटा थी सी कौन करदे जस्टिफाई करदे इट इज एन अ प्लांकोडिंग मॉडल और आटम एक्जिस्ट इन अ प्लांकोडिंग मॉडल और व्हाट अ मेलन कॉन्सेप्ट बट जे तुम रदरफोर्ड कौन कले चाहते कि गोटे बाहरी गला कि गोटे तो से लगे साइंस आम गोटे कहपर गोटे एरोगेंट टाइप कि हाँ तुम जहाँ चाहो मुझे देवी बिल्कुल किसी गोटे नुआ कनसेप्ट गोटे देदेवि सेमती तुम न्यूट्रॉन कौन है नुआ कनसेप्ट गोटे बाहरी केमी तो साइंटिस्ट मैंने बारंबार बारंबार इलेक्ट्रॉन प्रोटोन को अब्जर्व कले सहित जीक एलिमेंट गुड़ाक डिस्कवर ऑलरेडी हो सारी है ना तो यहाँ हूँ ये जो इयर रो कथा हूँ तुम जो ये जो कनसेप्टर कथा हूँ तुम 1932 रो कथा यहाँ है जिते बड़े तुम न्यूट्रॉन डिस्कवरी होता किए डिस्कवर कर कौन केमी से पढ़ीपा ठीक तो रहा तुम कौन जी सब आटम गुड़ाक डिस्कवर हो सकता मैंने एलिमेंट गुड़ाक डिस्कवर हो जाता तेनाली मेन दुटा रही तुम किए मेन फंडामेंटल रही है हीलियम जहाँ रही आम अल्फा पार्टिकल हिसाब से मोस्टली एक्सपेरिमेंट गुड़ाक करते नेक्स्ट रहा तुम हाइड्रोजन जोटा कि मोस्टली लाइटेड पार्टिकल आउ रहा जहाँ भी एक्सपेरिमेंट कल हाइड्रोजन को लेकिन कर कहीं ये रहा गोटे का इलेक्ट्रॉन अच्छे हाँ ना ना तो इलेक्ट्रॉन जो कम अच्छे प्रोटोन भी कम ही थोड़ा तो रहा मास भी तार बहुत कम तो रहा अब्जर्व करदे एक्जामिन करदे नुआ कनसेप्ट किसी जब मिलला आपको मल्टीप्लाई करदे हाँ यहाँ गोटे छोट अमाउंटे तार मल्टीप्लिकेशन बिकज यहाँ तुम सिंगल वैल्यू को बुझे सब मन लगे तो से लगे तुम साइंटिस्ट मैंने कौन कले ये दुटा को लेकिन अब्जर्व करवा स्टार्ट कले कौन अब्जर्व कले से आम जानवा कौन अब्जर्व कले जिते साइंटिस्ट मैंने इलेक्ट्रॉन आउ प्रोटोन डिस्कवरी होगा दुटा आइटम को अब्जर्व करवा स्टार्ट कले सी रहा मोर के रे ये है मोर हीलियम नेक्स्ट रहा मोर हाइड्रोजन टी चिंता कर ध्यान देखी शुण ये जो साइड दुटा लिखिली मुझ तार आटमिक नंबर लिखिली क्या कथा लिखिली मुझ आटमिक नंबर तो आम आगू पढ़चे आटमिक नंबर मीनस कौन नंबर ऑफ प्रोटोन एक्जिस्ट ना आटम पढ़चे ना मन ना एवं जाए लोक कौन बिलीव कर गोटे आटम भितर इलेक्ट्रॉन आउ प्रोटोन ही अच्छे एवं जाए लोक कौन बिलीव कर रे ये जदि मोर आटमटे तो आटम भितर किए अच्छा मझे रही है मोर न्यूक्लियस जी कि गला किए रोच प्रोटोन ये रेले बाकी इलेक्ट्रॉनटा रिवल्व कर चारिपटे प्रोटोन चारिपटे लोक मैंने एतिक एवं को बिलीव करते बिकज तुम रदरफोर्ड मॉडल पर बहुत एटॉमिक मॉडल एतिक ही कही था हाँ ना नहीं तो बिलीव कर तो ये भावुंट जदि मोर हाइड्रोजेन गोटेका प्रोटोन बियर कर
हाइड्रोजन मोर गोटे का प्रोटोन बेयर करछि आउ रहला तार प्रोटोन को बैलेंस करिया को जाय कि गोटे प्रोटोन ता सहित कौन अच्छी गोटे का इलेक्ट्रॉन अच्छी ना नहीं लोक से जानते हीलियम पाखे सेमती दीटा प्रोटोन ता सहित दीटा इलेक्ट्रॉन लोक मैंने ये जानते हाँ ना नहीं मन ला बुझिपारे ना बुझिपारे एति जान ले तो कौन कले जो दीटा जो कंपेयर करने को स्टार्ट कले लोक भाविले कौन मोर जदि मुझे हीलियम को गोटे नेबी हीलियम रो गोटे मास हाइड्रोजन रो दीटा मास सहित इक्वल हम हाँ ना नहीं एत अच्छी दीटा प्रोटोन अच्छी दीटा इलेक्ट्रॉन ये अच्छे गोटे प्रोटोन गोटे इलेक्ट्रॉन तो ओब्वियसली मुझे गोटे हीलियम को निए मोर गोटे हीलियम मस्ट बी इक्वल टू टू हाइड्रोजन हम ना नहीं रे मन पका तो केमी कहली कौन कहली मु हाइड्रोजन अच्छे मो पाखे गोटे प्रोटोन गोटे इलेक्ट्रॉन तार एटमिक नंबर है वन ठीक सेमती हीलियम पाखे अच्छे दीटा इलेक्ट्रॉन दीटा प्रोटोन हाँ कि ना तो दीटा इलेक्ट्रॉन दीटा प्रोटोन जितेबाला अच्छी तो दैट मीन्स हीलियम रो गोटे का सहित तो इक्वल हम दीटा हाइड्रोजन सहित तो इक्वल हम लोक मैंने सेमती भावुले साइंटिस्ट मैंने सेमती भावुले बोधे इक्वल हम बट हैलानी ये इक्वल देखा गलानी बिल्कुल भी सेम हैलानी तांको मास गुड़ाक क्या कथा कहि मु मास कथा कहि हीलियम रो गोटे मास सहित हाइड्रोजन रो दीटा मास इक्वल हैलानी बट आम थ्योरेटिकली कौन बुझे आ पाखे दीटा अच्छे आ पाखे गोटे अच्छे ओब्वियसली एटा को टू मल्टीप्लाई करदे इक्वल हम पूरा बट हैलानी से जिनस क्या सहित इक्वल है जितेबले साइंटिस्ट मैंने आउ दीटा हाइड्रोजेन एड कले का सहित इक्वल है आउ जितेबले तुम हाइड्रोजेन दीटा एड है तो इनडायरेक्टली कह गले वन हीलियम इज नाउ इक्वल टू फोर हाइड्रोजेन का सहित इक्वल हो चार्टा हाइड्रोजेन सहित इक्वल हो तो दैट मीन्स एमती कौन भावुंत एमती किसी गोटे एमती अधिक अच्छी हाइड्रोजेन टू हीलियम पर्यंत जोटा कि क्या सहित इक्वल हो प्रोटोन रस सहित इक्वल हो कहीं प्रोटोन रस तुम कौन है मानने प्रोटोन के गोटे तो तार मास को धरिकी तो आम बुझे ना कहीं मास को धरिकी बुझे पूरा आटम रिकज आम जो न्यूक्लियस अच्छे सेग्लीजेबल हाँ ना नहीं मास अफ द आटम बुझे मैंने क्या कथ बुझा खाली प्रोटोन रस कथा बुझा आगुरी आम अलरेडी पढ़चे तो मास अफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एंड मास अफ प्रोटोन इज इक्वल टू अलरेडी मुझे जस्टिफाई दे सारी कौन थी मास अफ प्रोटोन इज इक्वल टू 1.67 इंटु 10^-24 ग्राम सेटा जो इलेक्ट्रॉन कथ आसला बेलू से तुम 9.1 × 10^-27 ग्राम तो रहा कंपेरिजन कला बेलू तो तुम केग्लीजेबल इलेक्ट्रॉन तो से लगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सॉरी मास ऑफ द आटम जदि आम बुझुचे तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटोन ही होता होता ना नहीं रे बुझुते मास ऑफ द प्रोटोन जितनी सब प्रोटोन अच्छे गोटे है गोटे दीटा है दीटा तीन टा तीन टा जितना भी प्रोटोन अच्छे से मास ऑफ द आटम सहित इक्वल होता तो ये ये बस तो जितेबाला तुम मास डिफर हो गला हाइड्रोजेन रारटा मास सहित इक्वल हो गला कार हीलियम रो गोटे मास तो ये कौन भाविले प्रोटोन संकेत प्रोटोन संख्या तो ये गोटे अच्छे बाकी रहा ये तो दीटा अच्छी देख ला बेलू तो ट्वाइस देखा मत बाकी मल्टीप्लाई कल मुझे चार कहीं मल्टीप्लाई कल एमती कौन गोटे एक्सट्रा रही जाइए जी कि प्रोटोन वैल्यू को कवर करदे तो सेत बेलू कौन कले तुम न्यूट्रॉन डिस्कवरी स्टार्ट है माने एमती भाविले सड़क जस्टिफाई करना न्यूट्रॉन का बोली से कौन भावुन एमती किसी गोटे पार्टिकल अच्छी जहाँ लगे बोली मसटा किसी गोटे डिफर हो हेला कौन डिफर आउ भी एग्जामिन कले कौन कले सी देख तो कौन कले कंपेयर करने को स्टार्ट कले का कार हीलियम रो नेक्स्ट रहा लिथियम रो बेरिलियम रो एंड बोरोन रो कौन कंपेयर कले फर्स्ट तो है तुम एटॉमिक नंबर नेक्स्ट है तुम एटॉमिक मास एटॉमिक मास जेड कौन थी रे मोर एटॉमिक नंबर जान छे ठीक एबे कहली मु जोटा कि मास ऑफ द आटम आम का सहित इक्वल होता मास ऑफ प्रोटोन सहित मास ऑफ प्रोटोन कौन मोर एटॉमिक नंबर कि नुह हाँ
मन रहा तो रहा जितेबाला मो जदि मास कंपेयर करार अच्छे दिजर हीलियम एटमिक नंबर के जानते दुई हाँ ना सेटा जो लिथियम पाख आसला बेलू सी होगा मोर तीन बेरिलियम रहा मोर चार बोरोन रहा मोर पांच हाँ एबे कहली मु एटमिक मास माने कौन मास ऑफ एटम तो मास ऑफ एटम का धरिक हम प्रोटोन आउ इलेक्ट्रॉन को धरिकी तो रहा आम जो भावुले हाँ प्रोटोन तो अच्छे ये ना अच्छे ना नहीं रे तो मास आम जानचे प्रोटोन मास है मास ऑफ द प्रोटोन इज अबाउट 1.67 इंटू 10^24 ग्राम तो ये का सहित इक्वल होता 1 AMU सहित इक्वल होता होता ना नहीं 1 AMU मान के 1 ग्राम सहित इक्वल करते आम बिकज इट इज एन नेग्लिजिबल मास माइनस 24 बेला बेलू सेगला केोट होगा तो से लगे 1 AMU और 1 ग्राम को कनसीडर करते माने मोर जी एटमिक नंबर से आटमिक मास हवा कथ हाँ ना ना कहीं 1 ग्राम वन AMU कथा करे गोटे गोटे प्रोटोन रैल्यू तो रहा कतरा प्रोटोन अच्छे दुईटा तो मास के हम कत दुई सेमती यार के हम तीन आर चार आर पांच बट मास जो वेट करा स्टार्ट मैंने से नहीं जो वेट मेसीन में रखिले तार मास टे अलग होगा कौन हीलियम पाइले आम 4 हीलियम के पाइले रे आम पाइले 4 तापर रहा मोर लिथियम पाइले तुम तीन है तो लिथियम पाइले आम 7 एंड रहा तुम बोरोन पाइले 9 एंड तुम के सॉरी बेरिलियम पाइले 9 बोरोन पाइले आम 11 मन रहा एग्जामिंग करू करू आमको एति की मास देखा मिलला सब जाक तुम ग्राम हो AMU जहाँ भी जो थे भी तुम कौन है कैलकुलेट होती AMU रो कैलकुलेट कर भाव हला AMU को आम सिंपली कौन लिखु यू मध्य लिखु AMU और यू तो एति यू तुमको मिली आ सहित कंपेयर कले तो कंप्लीटली ट्वाइस ट्वाइस रु आपर दुई गुण रु उपर हाँ कि ना तो एमती कौन चेंजेस आसला जे मैंने पूरा दुई गुण हो गले एथर एग्जामिन करने को लगे साइंटिस्ट तो कौन है तुम तो ये जो एक्सपेरिमेंट बार रहा जो पार्टिकल नुआ पार्टिकल डिस्कवरी करा चले आठ डिस्चार्ज ट्यूब्र किसी कम है ना तो कौन कले तुम जो न्यूट्रॉन डिस्कवरीटा पाखापाखि रदरफोर्ड मॉडल पाखापाखि से रदरफोर्ड जमी अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करके एक्सपेरिमेंट करते यहाँ तुम अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करके बट से यूज करते से गोल्ड फॉर्म मैंने गोटे मेटल टे यूज करते बाकी ये किसी मेटल रिक्स नुह है तो से लगे कौन कले किए डिस्कवर कले तुम जेम्स चादविक तो जेम्स चादविक हूँ तुम किए डिस्कवर ऑफ प्रोटोन के तुम 1932 है कौन कले चिंता कर फर्स्ट कौन कले अल्फा पार्टिकल को गोटे लेड बॉक्स रे रखिदे कि बॉक्स है तुम लेड बॉक्स ठीक अच्छे तो लेड बॉक्स रे कौन कले अल्फा पार्टिकल को थोदे क्या थोदे अल्फा पार्टिकल ये है कौन कहली मु जो बड़ बार गोटे देखाऊँ सी है मोर अल्फा पार्टिकल मन अल्फा पार्टिकल को रखिदे सहित कौन कले ये गोटे होल्टे करदे छोट होल गोटे करदे ये कौन कले कहली रे होल गोटे करदे तो होल कले मैंने से कौन तार मीनिंग कौन होल कले मैंने जहाँ भी तुम अल्फा पार्टिकल अच्छी जहाँ भी रेडिएशन ए भितर अच्छा से कौन पुटकिन बाहर एथर जोर देके तो पॉइंट आउट होकर बाहर एथर है तो से कहले पूरा लाइनिंग है एरो मार्क्स है बाहर ठीक एमती डिरेक्शन हो देखाऊँ से एमती बाहर चल चलते डिरेक्शन एवं कौन कले रास्ता रे गोटे बाटे रखीदे से बाटे तुम कार कहीं तैयारी तुम लिथियम हो कौन लिथियम हो ना तो बेरिलियम हो ना तो बोरो हो चॉइस इज योर्स कार भी नहीं पार तो कौन कले तुम चादविक कौन कले फर्स्ट तो लेड बॉक्स ने लेड बॉक्स रे अल्फा पार्टिकल रखीदे अल्फा पार्टिकल रो से अल्फा पार्टिकल पास ऑन हाँ बोले कौन करदे से भितर होल करदे होल करने तो होल करदेला कौन कले जो तुम होल कर सारापर लिथियम आउ बेरिलियम आउ बोरोन को गोटे प्लेस कले गोटे प्लेटटे नॉर्मल लिथियम बेरिलियम या बोरोन किसी भी हो तुम इच्छा चॉइसेस योर्स समस्ते नुह कहले गोटे तो जन को कौन कले प्लेस कले ठीक
ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ହେବ କ'ଣ ଏଠି ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ। ତ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଏମିତି ବାହାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲେ ତୁମର କା ପାଖରୁ ଲିଥିୟମ୍ ପାଖକୁ ହେଲା ଲିଥିୟମ୍ ବାର୍ ପାଖକୁ କ'ଣ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଏଥର ମନେ ହେଲା ପାର୍ଟିକଲ ନା ତ ହିଲିୟମ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ତ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ପକା ତ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଥିଲା ତୁମର ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ହିଲିୟମ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ୱିଥ୍ ଫୋର୍ ଏମ୍ ୟୁ ମାସ୍। ତ ଫୋର୍ ଏମ୍ ୟୁ ମାସ୍ ମାନେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମେସିଭ୍ଟେ ଗୋଟେ ହେଭି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମେସିଭ୍ ମାନେ ହେଭି ଜିନିଷ। ତ ହେଭି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯାଇକି କାହାକୁ ବାଜୁଛି ତୁମର ଲିଥିୟମ୍ ବେରିଲିୟମ୍ ଆଉ ବୋରନ୍କୁ ବାଜୁଛନ୍ତି ଇଦର ଲିଥିୟମ୍ ନାଇଁ ତ ବେରିଲିୟମ୍ ନାଇଁ ତ ବୋରନ୍। ତ ଭାବ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଲିଥିୟମ୍ ହିଁ ନେଇଛେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାନି ଆମେ ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଲିଥିୟମ୍କୁ କ'ଣ ନେଇଛେ ଭାବ କାହାକୁ ନେଇଛେ ଆମେ ଲିଥିୟମ୍କୁ ଲିଥିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଆଇନୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ଏଥର ହେଲା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ତୁମର ବୁମ୍ବାଡ଼ ହେଇଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଯାକ ଏମିତି ବାହାରିଲେ ମନେ ହେଲା ସେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଚାର୍ଜ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଦି ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ହେଲା। ଏବେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ କି କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏ ପାର୍ଟିକଲ୍କୁ ମୁଁ ନାଁ କ'ଣ ଦେବି। ତ ସେଥିଲାଗି ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଥରେ କଲେ ବଟ୍ ଆଇନେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲେ ଏବେ ସେ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ପାରାଫିନ୍ ୱକ୍ସରେ କ'ଣ କଲେ ବାଡ଼େଇଲେ। ପାରାଫିନ୍ ୱକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ୱକ୍ସ ମାନେ କାହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହେ ମହମବତି ହଉ ନାଇଁ ତ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ହଉ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୱକ୍ସ ହେଲା। ତ ପାରାଫିନ୍ ୱକ୍ସରେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ୱକ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପାରାଫିନ୍ ପାରାଫିନ୍ ୱକ୍ସ। ତ ପାରାଫିନ୍ ୱକ୍ସ ବାର୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଯାଇକି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ବାଜିଲେ ପୁରା ପୁରା ଜୋରଦାର ପୁରା ବୋମ୍ବାଡ଼ ହେଲେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ସେ ପାର୍ଟିକଲ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଲି ଆଉ ଜୋର୍ରେ ଫିଙ୍ଗିଲି। ତ ଜୋର୍ରେ ଫିଙ୍ଗିଲି କ'ଣ ହେବ ଆର ଯେତିକି ମାସ୍ର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ହେଇଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବେ ନା ନାହିଁ ଭାବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟେ ବୁଝିବା ଆମେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 3 kg କେତେ କେଜିରରେ 3 kg ତା'ର ଯେଉଁ ମାସ୍ଟା ହେଲା ମୋର 3 kg ୟାର ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟିରେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ V1 କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି ଜିରୋ ନୁହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ନେଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋର କହିପାରିବି 5 kg କେତେ କେଜିରରେ 5 kg ୟାର କ'ଣ ହେଇଛି ମାସ୍ ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ 5 kg ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଅଛି କିଛି ବି ଭେଲୋସିଟି ହେଇନି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟା ଅଛି 3 kg ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜୋରଦାର ବାଡ଼େଇଲି 5 kg ଉପରେ ବିକଜ୍ ତା'ର ମାସ୍ଟା ଅଧିକ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଚିପାରେ ଏତିକି ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି ଟିକେ ଗୁଞ୍ଚିପାରେ ନାଇଁ ତ କିଛି ନ ବି ଗୁଞ୍ଚିପାରେ କି ପାଇଁ ଇଏ ତା ଆର ମାସ୍ଟା କମ୍ ୟାଠୁ ହଁ ନା ନାଇଁ କିଛି ବି ଗୁଞ୍ଚିବନି। ସେଇଟାକା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନେଲି ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ନେଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋର 6 kg ହେଲା। ତ ମାସ୍ ହେଲା ମୋର 6 kg ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି ତ V2 ଭାବ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିଏ ରହିଲା ମୋର କ'ଣ କେତେ କେଜିର ମୋର ସେମ୍ 6 kg ହେଲା ଆର ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଭେଲୋସିଟି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜୋରଦାର ବାଡ଼େଇଲି ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଆରାମସେ ମୁଭ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ ଜୋରଦାର। ତ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଯାଇକି ଆ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ତ ଯେଉଁଟା ଏ ଯେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରେ ତ ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟା ଅଛି ସେ ଯାଇକି ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବ ନା ନେଇରେ ସେ ଜାଗା ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆର ମାସ ତାର ମାସ ପାଖାପାଖି ସେ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ପୁରା ସେ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଯାଇକି ଜୋରଦାର ବାଡ଼ି ହେଇକି ଆକୁ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ସେମିତିକା ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ କାହାକୁ ପାରାଫିନ୍ ୱକ୍ସରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସକୁ ଇରେଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେ ପାର୍ଟିକଲ ଯାକ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ କି କିଏ ଥିଲେ ତୁମ ଫେଭରେଟ ସିଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରୋଟନ୍ କିଏ ଥିଲା ରେ ସିଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରୋଟନ୍। ଏବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପ୍ରୋଟନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମର କି ଚାର୍ଜରେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବାକି ଇଏ ତ ଥିଲା ତୁମର ନୋ ଚାର୍ଜ ଆର ତ ଚାର୍ଜ କିଛି ନଥିଲା ସେ ପାର୍ଟିକଲର। ବାକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯାଇକି ବାଡ଼େ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାଡ଼େ ହେଲେ ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୁମର କିଛି କିଛି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ମାସ୍ରେ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟନ୍ ସହିତ ମାସ୍ରେ ଇକ୍ୱାଲ
मन लगे बुझे ना बुझे ये जिनसटा प्रूव कले तुम किए चैडविक चैडविक कौन कहले आम जो पाराफिन वॉक्स रु पाइल जो पार्टिकल गुड़ाक से पार्टिकल थे तुम कौन प्रोटोन से पार्टिकल गुड़ाक मोर प्रोटोन केमी जान लें ओबियसली इलेक्ट्रिक फिल्ड पास अन् करेंगे से नो चार्ज के जान लें इलेक्ट्रिक फिल्ड से किसी भी डिरेक्शन कलानी मानते किसी भी डेविएट है जमी जाऊला सेमी जाऊँचे पढ़ते पर आम इलेक्ट्रोन आउ प्रोटोन डिस्कवरी बेलू को कौन करते तार चार्ज जानक कौरे प्लेस करा को इलेक्ट्रिक फिल्ड में ना तो मैग्नेटिक फिल्ड में से जुआड़े डेविएट है तार अपोजिट साइड से निजे बिहेयर करते इलेक्ट्रिक फिल्ड में ए रे को लेकिन मुझ इलेक्ट्रिक फिल्ड में जो छाड़ी किसी डेविएट कलमी जाऊला सेमी तो से कन्फर्म होगी कौन दैट इज नो चार्ज तार किसी चार्ज ना ठीक से चार्ज को जो पाराफिन वॉक्स जोरदार बाड़े हेले कौन बाहर कला से प्रोटोन तो प्रोटोन बोल से कन्फर्म केमती है एटा को भी नहीं कि से कौटि पोर कले इलेक्ट्रिक फिल्ड रे मन ना तो भावनी मुझे कलर कलर देखे दूची मैंने पार्टिकल गुड़ाक जो कलर गुड़ाक किसी गोटे शो हो बिलकुल भी नुह से कलरलेस किसी कलर न थाए तो जहाँ भी एग्जामिन कर फिल्ड को धरिकी एग्जामिन कर चार्ज को धरिकी एग्जामिन कर तो प्रोटोन जाक जो बाहर तो चादविक कौन कले जो मोर नो चार्ज पार्टिकल मत जो मिलला जो पार्टिकल गुड़ाक तार मसटा के प्रोटोन रस सहित तो सेम बाकी एमाने न्यूट्रल एम चार्ज ना तो से कौन ना देदे रे तुम ना कौन देटा को ना दे तुम न्यूट्रॉन कौन ना दे न्यूट्रॉन जो जिनस गुड़ाक चेंज कले लिथियम प्लेट बाहर करके बेलियम प्लेट रखिले बोरोन प्लेट रखिले सेम जिनस शो है तो से यू भी कौन ना देदे फंडामेंटल पार्टिकल तो नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल किए तुमको मिले न्यूट्रॉन बट से पाखे चार्ज ना तो से सिंबलाइज कले कौरे एन जीरो इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज आम कौन कले मन पका तो इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करते हमें ई माइनस किए किए जन स्मल लिखुं ठीक से प्रोटोन को तो प्रोटोन को कले आम पी प्लस रे सेमती कह न्यूट्रॉन डिस्कवर है जोटा कि चार्ज बिल्कुल ना से मोर एन जीरो मन लगे कि तो ये तीन जन रही तुम कौन टा फंडामेंटल पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल आईडिया है जिनसटा कौन मन ना केमती डिस्कवर कले यहाँ तो डिस्कवर होता तुम क्या द्वारा जेम्स चैडविक द्वारा इन द ईयर ऑफ 1932 तो व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज बोम्बार्ड टू द लिथियम प्लेट सम पार्टिकल दैट इज हैविंग अन नो चार्ज आर कम आउट फ्रॉम द लिथियम प्लेट That lithium or that non-charged particle is now bombarded to the which one? That is paraffin wax. And now that paraffin wax exerted or excluded some kind of particle which is comparably proton. So comparably proton, jeta bale, tamara se ki charge bear korche sabale positive charge. Aur mass madhye pakha pakhi ka sa to same hegala proton sa to. तो इनडायरेक्टली से कौन कौन ये टी बुझाप ट्राए कर तो लिखिपर ये मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन मन लगे बुझीपारे ना बुझीपारे जार वैल्यू की दिज जाक वैल्यू के 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम एथिरु कौन प्रूफ हला एबे पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जो हीलियम आउ हाइड्रोजन कथा कंपेयर करथले दैट मीन्स कौन हीलियम पाखरे दीटा प्रोटोन दीटा इलेक्ट्रॉन सहित आउ किए अच्छा रे ता सहित आउ किए अच्छा तुमर दीटा न्यूट्रॉन भी अच्छी किए अच्छी तुमर दीटा न्यूट्रॉन टू बट हाइड्रोजन पाखे न्यूट्रॉन वैल्यू ना तो ये मेनशन कर जीरो न्यूट्रॉन तो से लगे तार मास भी कम हाइड्रोजन मास कम परा लाइट वेटेड कहुए ये मन रख ट्रिक क्वेश्चन व्हाई हाइड्रोजन हैव
zero neutron value because of their masses. Tara mass bahut negligible. One mass ko hi count hue. Jodi neutron bhi thanda, kete masses then dui hi thanda na nahi. Kahi proton bhi achi, neutron bhi achi. Proton gote, neutron gote, se kete hi thanda, dui hi thanda. But mass kete one. To sat lagi absence of neutron. मनला ट्रिक क्वेश्चन बुझिपाए जिनस तो आसीपा तो रहा बुझिपारे केमी तुम एक्सपेरिमेंट करते जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट रे कौन कौन इनवल्व रोला फर्स्ट है तुम अल्फा पार्टिकल नेक्स्ट रहा अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्ड है किसी गोटे पार्टिकल बाहर से रहा तुम नो चार्ज दैट नो चार्ज पार्टिकल्स इज नाउ बम्बार्ड टू योर पाराफिन बॉक्स से पाराफिन बॉक्स गुड़ाक कौन एमिट कले तुम कौन एमिट कले रे तुम कि प्रोटोन पार्टिकल से प्रोटोन पार्टिकल कहीं डिस्प्लेस हेले प्रोटोन रो मास सहित तो किए इक्वल हेले से पार्टिकल नो चार्ज पार्टिकल तो सेगी कंपेरेबली आम कौन कहीदे मास ऑफ द प्रोटोन इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन हेगला मन रहा नहीं तो ये थी तुम जोटा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन डिस्कवरी पर तार थ्योरी गुड़ाक आउरी डिफरेंट हो गला बट कौन गोटे बेनिफिट रहा कौन ये न्यूट्रॉन गोटे चार्जलेस तार किसी चार्ज ना से खाली क्या अच्छा मास अच्छी मनला तो मास अच्छी तो चार्ज उपर तो किसी डिफर करनी तो रहा जी कनसेप्ट आम पढ़े रदरफोर्ड कर पढ़ कि बोर्स कर पढ़ मोस्टली इफेक्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल से को चार्ज भी हो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो तो बेसी किसी इफेक्ट हैलानी न्यूट्रॉन डिस्कवरी पर बिकज आखिर किसी चार्ज ना क्या पाखे न्यूट्रॉन पाखे तो बेस किसी डिफर है एबिपाई बिकज अफ दैट आउटे तुम फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर है भी आम रदरफोर्ड मॉडल एंड बोथ एटॉमिक मॉडल भी पढ़ुचे कहीं कि मात्रा करेक्ट मन लगा कि बुझिपारे तो आज आम कौन पड़े डिस्कवरी अफ न्यूट्रॉन तो आज मुझे भिडियोटा को एति रखुच्छी मनला आज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को रिवाइज करवा बार बार देखा वीडियोटी तो रहा नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन करवा जो आमे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा अच्छी से एटॉमिक स्पेक्ट्राटा कंप्लीट करवा कहीं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इंपोर्टेंट थी से नेसेसरी हे तो से आगे मुझे यहाँ पढ़े ठीक अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो रे मिसिबा तो का को धरिकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को धरिकी ठीक अच्छे तो जदि ए वीडियो रो किछि हेल्प मिलची तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे।